अच्छे से, ठीक है? वन पे राइट, टू पे हे, टू हे, थ्री हे, टू हे, थ्री हे, फोर हे। जिस तरह से महिलाओं को यहाँ पर जो महिला मेडिकल स्टाफ है उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, कितनी महिला मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है और कब तक ये ट्रेनिंग दी जाने वाली है? सो लगभग अबाउट 600 प्लस फीमेल स्टाफ हैं इस अस्पताल में, जो कि तीनों शिफ्ट में काम करती हैं अक्रॉस द हॉस्पिटल। उसमें नर्सेस, टेक्नीशियंस, RGDA, हाउसकीपिंग, डॉक्टर्स, सब तरीके की महिला स्टाफ हर तरीके के डिपार्टमेंट में है। और ये इनिशिएटिव अबाउट 7 दिन का है, जिसके अंदर कोशिश ये है कि वी कैन एम्पावर द फीमेल विद कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। तो हर सिचुएशन का, जो कि एडवर्स सिचुएशन हो, उसमें मुकाबला करने के लिए तैयार रहें और अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद भी इनिशिएटिव ले सके। सो यही आपसे पूछूंगा कि ये ट्रेनिंग जो दी जा रही है, बकायदा देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो महिला मेडिकल स्टाफ है वो लगातार ट्रेनिंग देती हुई नजर आ रही है, तो आप क्या कहेंगे? जिस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, आप क्या कहेंगे? हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के DCP साहब हैं जितेंद्र कुमार मीणा जी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वुमेन्स की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए हर हॉस्पिटल के अंदर। अभी इस हॉस्पिटल में हो रहा है और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल्स के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाएगी। कई हज़ार लेडीज़ को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो घटना कलकत्ता में घटी है वो दोबारा ना घटे। DCP साहब ने खुद इनिशिएटिव लेकर के, पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, उन्होंने दिल्ली पुलिस का जो परिवर्तन सेल है वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। और आप देख ही रहे हैं, अभी तक 3 दिन के अंदर लगभग 250 से 300 महिलाओं ने ट्रेनिंग ले चुके हैं। और दीपक जी का बहुत बड़ा इसके अंदर सहयोग है, जो फोर्टिज हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने भी इनिशिएटिव लिया, एकदम कदम आगे बढ़ाया कि ठीक है, हम लोग पूरा अरेंजमेंट कराएंगे और ये बहुत अच्छा कदम है, इस पर हमने वर्किंग करनी है ताकि ये घटना दोबारा ना घटे। छोटी छोटी टेक्निक सीख के, लेडीज़ के पास जैसे पर्स होता है, पर्स के अंदर उनके पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको एज ए वेपन वो कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, सब उनको बताया जाएगा। स्मॉल स्मॉल ऐप्स, कुछ मोबाइल ऐप्स होती हैं जो मोबाइल में लोड करेंगी, अब देख रहे हैं आप टेक्निक जैसे उनको सिखाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है और हम सब लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे महिला मेडिकल स्टाफ को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके चलते इनके अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न ना हो, किसी भी परिस्थिति का ये डटकर मुकाबला कर सके। अलग अलग टेक्निक यहाँ पर इन्हें सिखाई जा रही है और दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर बाकायदा इन महिला मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि ये इनिशिएटिव उठाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा और इसी तरह की ट्रेनिंग जो है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भी दी जाने वाली है, लेकिन इसकी शुरुआत शालीमार बाग के फोर्टिस हॉस्पिटल से की गई है। कैप्टन कपिल के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की वारदात के सामने आने के बाद महिला मेडिकल स्टाफ के अंदर किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना उत्पन्न ना हो, वो हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सके, इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस नॉर्थ वेस्ट द्वारा एक इनिशिएटिव उठाया गया है, जिसके जरिए महिला मेडिकल स्टाफ को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसकी शुरुआत दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बने फोर्टिस अस्पताल से हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको महिला मेडिकल स्टाफ जो है वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती हुई नजर आएंगी। करीब 600 महिला मेडिकल स्टाफ को यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और सिक्योरिटी गार्ड महिलाएं जो है वो शामिल हैं। उन्हें अलग तरीके के पंचेस के बारे में जानकारी दी जा रही है कि अगर कोई शख्स हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो उस वक्त कौन से पंच का इस्तेमाल करना है, अगर कोई पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है तो उस वक्त कौन से पंच का इस्तेमाल करना है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्टर दीपक जी मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इनिशिएटिव उठाया है और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, कितनी महिला मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है और कब तक ये इनिशिएटिव जो है वो रहने वाला है, कब तक ट्रेनिंग दी जाएगी? 600 से 650 नर्सेज हमारे पास इस समय फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग के सारे फ्लोर्स पर काम करती हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं नर्सेज, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, GDS, ये सब शामिल है। तो हमारा कोशिश ये है कि इस तरह की सारी 650-700 नर्सेज को हम ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं, जो कि अराउंड नेक्स्ट 7 डेज में कंटिन्यूसली चलेगा एंड लगभग 1 दिन के अंदर हम 100 के आसपास को ट्रेन करेंगे, सो दैट रफली 7 दिन के अंदर 700 नर्सेज को ट्रेन कर सकते, 700 फीमेल स्टाफ मेंबर्स को। तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बातचीत करी होगी आपसे, क्या बातचीत आप लोगों की हुई थी और क्या डिसाइड किया गया था?
तो ये इनिशिएटिव एक्चुअली दिल्ली पुलिस की एक परिवर्तन सेल ने लिया और जितेंद्र मीना जी जो हमारे एरिया के डीसीपी साहब हैं उन्होंने मुझसे अप्रोच करा और बातचीत करी कि हम अपनी फीमेल को किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स आएँ और एडवर्स सिचुएशन में जो कि कलकत्ता के हॉस्पिटल में अभी रिसेंटली हुआ जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो घटना घटी वो ये लोग अपने आप को किस तरीके से उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ एग्रेशन बाय द मेल काउंटर पार्ट्स और किस तरीके से अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक से खुद का बचाव कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर. तो ये इनिशिएटिव एक सोची समझी बातचीत के बाद किया गया जिसमें दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग है एंड फोर्टिस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ने अग्री किया कि हमें ये एम्पावरमेंट अपनी सारी के सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करानी चाहिए. नीरज तोमर जी बातचीत करने के लिए मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं. नीरज जी क्या बातचीत हुई थी आपकी और आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या यहीं तक सीमित रहने वाला है आगे भी कुछ इनिशिएटिव उठाया जाएगा? हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी साहब हैं श्री जितेंद्र कुमार मीणा जी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्योंकि कोलकाता में जो भी घटना घटी है उसको लेकर के उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाए लेडीज़ को. जितनी भी वुमेन है अभी तो यहाँ से शुरुआत है, उसके बाद सारे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सब जगह कवरअप किया जाएगा, सबको बताया जाएगा, सब जगह सिखाया जाएगा. लगभग 5 से 6 हज़ार वुमेन्स को ट्रेनिंग दी जाएगी. अभी यहाँ से एक शुरुआत हुई है सिर्फ. इसमें फोर्टिस हॉस्पिटल में हमारे दीपक जी ने बहुत सहयोग दिया और इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का कि इस काम को किया जाए. इसके अंदर पंचिंग सिखाई जाएंगी, किक्स सिखाई जाएंगी, कोई ग्रैब करता है तो कैसे बचाना है, लेडीज़ का जैसे पर्स होता है पर्स में छोटी छोटी आइटम्स होती हैं उन आइटम्स को आप एज ए वेपन कैसे यूज़ कर सकते हो ये सब बताया जाएगा. कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर मोबाइल के अंदर हर एक के पास होने चाहिए जिससे कि आप अपने आप को बचा सको. और भी कई सारी टेक्निक्स हैं जो डेली बेसिस पर सिखाई जा रही हैं. यहाँ डेढ़ डेढ़ लगभग सवा सवा घंटे की 2 क्लासेस लगती हैं जिसके अंदर 100-100 के आसपास बैचेस. कितने बजे से कितने बजे तक क्लासेस लगती हैं? 1:30 बजे से लेकर और लगभग 4:30 बजे तक प्रोग्राम रहता है. तो देख सकते हैं कि आपको ये महिला मेडिकल स्टाफ जो है वो तस्वीरों में नजर आएगा जो कि यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही है और इसी तरह का इनिशिएटिव बताया जा रहा है कि आगे भी अन्य अस्पतालों में लिया जाने वाला है, वहाँ भी महिला मेडिकल स्टाफ को बाकायदा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाने वाली है. साफ है कि जिस तरह से महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इसी मकसद से यहाँ पर दी जा रही है वो किसी भी परिस्थिति का डट के मुकाबला कर सकें. तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिला मेडिकल स्टाफ है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगी. लगभग 600 से ज्यादा महिला मेडिकल स्टाफ को यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है और दिल्ली पुलिस की जो महिला ऑफिसर है वो आपको तस्वीरों में नजर आएगी जो कि इन महिला मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दे रही है. तो दिल्ली पुलिस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के परिवर्तन सेल के द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है. डीसीपी जितेंद्र मीना ने इसको इनिशिएटिव को लिया है और उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बातचीत की गई थी और अब यहाँ पर यह ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में आगे भी अन्य अस्पतालों में भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाने वाली है. हम सिंह कपिल के साथ विवेक शर्मा, TVN भारतवर्ष, दिल्ली.